नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर। दोस्तों, भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान शिखर धवन ने श्रीलंका पहुंचकर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो क्या होने वाली है पूरी प्लेइंग 11 बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी शिखर धवन के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया को आज श्रीलंका के दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां पर भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रहे होंगे। इस कारण श्रीलंका दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा चुका है। भारतीय टीम 28 जुलाई यानी कि आज श्रीलंका पहुंच गई है, जहां पर भारतीय टीम 3 वनडे मैच खेलेगी। उसका पहला मुकाबला 13 जुलाई, दूसरा मुकाबला 16 जुलाई और तीसरा मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। T20 सीरीज का पहला मैच 22 जुलाई, दूसरा मैच 24 जुलाई और तीसरा मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा और यह सभी मैच एक ही स्टेडियम में खेले जाएंगे। और भारतीय टीम चाहेगी कि वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की जाए और इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान पर उतारेगी। तो आइए जानते हैं क्या होने वाली है राहुल द्रविड़ और कप्तान के अनुसार भारतीय टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों, बात करें प्लेइंग 11 की तो वह कुछ इस प्रकार होने वाली है। पृथ्वी शॉ के साथ शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 पर मनीष पांडे, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कुणाल पांड्या, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर दीपक चहर, वहीं 10 नंबर पर चेतन सकारिया और 11वें नंबर पर होंगे युजवेंद्र चहल और इसके अलावा राहुल चहर को भी खुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार होने वाली है भारत की प्लेइंग 11। तो अगर आपको भी लगता है कि भारत यह मुकाबला जीतेगा तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।